जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सत गुरु, नैया लगा दो कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, देखा है नजर पसार, पार मेरे सत गुरु, देखा है नजर पसार, पार मेरे सत गुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सत गुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सत गुरु, भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में डूब ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सत गुरु, तुम ही हो मेरे पतवार, पार मेरे सत गुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सत गुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सत गुरु, संग के साथी पार उतर गई, संग के साथी पार उतर गई, मैं तो पड़ा हूँ मझधार, पार मेरे सत गुरु, मैं तो पड़ा हूँ मझधार, पार मेरे सत गुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सत गुरु, नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सत गुरु, जय गुरुदेव दया के सागर, जय गुरुदेव दया के सागर, चरण कमल बलिहार, पार मेरे सत गुरु, चरण का
दो भव पार पार मेरे सत गुरु नैया लगा दो भव पार पार मेरे सत गुरु जय गुरुदेव जय तो माँ के पेट में ये रुपया पैसा रहता है। अरे कोई हीरा जवाहरात का खजाने का मालिक रहता है ये जो यहाँ पर है? नहीं रहता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, नंगा और भूखा रहता है। और नंगा कर नंगा ही देखो बाहर आ जाता है, वहाँ से कुछ लेकर नहीं आता है। इस तरह की चीजें कि जिससे वो पहन सके, जिसको वो खा सके, कोई दूध का बोतल लेकर नहीं आता, कोई टॉनिक का डिब्बा लेकर नहीं आता, कुछ नहीं लेकर आता, तो वो रहता है असहाय। तो असहाय की वो मदद करता है जब चिल्लाता है। देखो प्रभु को हम याद भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। आप तो पुराने सत्संगी हो, आप गुरु को याद भी नहीं कर पाते हो, आप प्रभु को याद भी नहीं कर पाते हो ठीक से। याद भी करते हो देखा देखी और बनावटी। एक माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिला करके और लेटा दिया। अब बच्चा छोटे छोटे सपना देखने लगा, सोने में सपना आ जाता है। ये जो जीवात्मा यहाँ बैठी ये उतर करके यहाँ कंठ पर आ जाती है। 16 दल कमल पर जहाँ आद्या का स्थान है, पुराने लोग ध्यान दो आप सत्संगी लोग, तो यहाँ पर जब वो आ जाती है तो मन के साथ अनिसंजो रचना करने लग जाती है। तो उसी में मन चला जाता है, उसी में रम जाता है, उसी को सपना कहते हैं। 16 दल कमल पर बैठ करके जो रचना होती है वही सपना कहलाता है। 16 तरह का सपना होता है, 16 तरह का, जैसे कई तरह की सब्जी होती है, कई तरह का फल होता है, जैसे कई तरह के अनाज होते हैं, इसी तरह से कई तरह के सपने होते हैं। तो वो सपना पानी समझो बच्चा देखने लग गया, तो देखने लग गया तो उठ करके समझो कि तेजी से चलने लगा कि हम उठ करके जल्दी तेजी से चलें, बस गिर गया नीचे। और जब गिरा और मार लगी, चिल्लाया, माँ खीर बना रही थी, दौड़ करके गई, बच्चे को उठाया, चूमा चाटा, सीने से लगाया, दूध पिलाया, मिठाई खिलाया। अब बच्चे ने सोचा दूसरे दिन कि देखो कितना प्यार माँ का मिला, और खीर भी खाने को मिला, मिठाई खाने को मिला, माँ का प्यार मिला, तो लाओ आज और जोर से चिल्लाएं। एक आवाज पर, चिल्लाने की आवाज पर माँ दौड़ करके आई, तो आज और जोर से चिल्लाए तो धीरे से लुढ़क गया, और फिर चिल्लाया जोर से, तो माँ उस दिन बर्तन मल रही थी, धो रही थी। तो ऐसे कान से सुना तो उसने, माँ मैं तो मर गया। फिर बोला, अरे माँ मुझे मार लग गई, अरे तुम जल्दी आओ। कुछ नहीं, बर्तन साफ करती है। 3-4 बार चिल्लाया, जब माँ नहीं गई तब लड़का गया और माँ के पीठ के ऊपर ऐसे झुक करके कान के पास बोला कि कल तो तू मेरी एक ही आवाज पर भग करके दौड़ करके आई थी, और आज मैं चिल्लाता रहा क्यों नहीं आई? तब माँ ने धीरे से कहा, कल वाली आवाज आज नहीं थी, कल जो मार लगी थी उसकी आवाज थी, दर्द भरी आवाज थी, और आज की तेरी आवाज बनावटी आवाज थी, इसलिए मैं नहीं आई। तो उस प्रभु से अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं ठीक से, आवाज भी नहीं लग पाती अंतरात्मा से, तो क्या सुनवाई करेगा?
लेकिन जब तकलीफ आती है तब फिर गुरु महाराज बचाओ, ए प्रभु ए भगवान, जिनको भी आप याद करते हो, जिनको भी भगवान मानते हो, जिस नाम से मानते हो, उनसे आप चिल्लाते हो, कहते हो बचाओ, दया करो, सिर में दर्द है, दवा से भी नहीं ठीक हो रहा, पेट में दर्द है, तकलीफ नहीं जा रही है, बहुत दवा कराया, गुरु महाराज दया करो दया करो दया करो, चिल्लाते हो कि नहीं चिल्लाते? तो कहा दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई, हमेशा अगर उस प्रभु को याद रखो तो दिल दिमाग सही रहेगा, बुद्धि सही रहेगी, अंतःकरण सही रहेगा, या मानो मंदिर गंदा नहीं होगा तो विचार गंदे नहीं होंगे, भावना गंदी नहीं होगी, तो वो तो इसमें हमेशा निवास करता है, फिर वो रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, मदद करेगा कि नहीं करेगा, गलती हुई होने देगा नहीं होने देगा? तो माँ के पेट में आप ये समझो कि तकलीफ में जब थे आवाज लगाया था तो दीनता वाली आवाज थी, तो सुन लिया उसने, तो कहा ठीक है जाओ, एक बार तुमको मौका देता हूं, लेकिन तुम चूको ना मत, जाओ, तुम्हारे लिए मैंने सब तैयार कर दिया है, वहां धरती आसमान हवा पानी सब बना हुआ तुमको तैयार मिलेगा, तुम बस यही सीख लेना किसी से कि कर्म कैसे करेंगे कि जिससे हमारा पेट भर जाए, ठंडी गर्मी से बचने का हमारा इंतजाम हो जाए, घर बन जाए, कपड़ा हमारे पास आ जाए, कर्म हम कैसा करेंगे यह सीख लेना। और माता पिता जो श्रेष्ठ हैं बड़े हैं, जिनको जीवन का अनुभव है, गृहस्थी को चलाने का घर चलाने का जिनको अनुभव है जानकारी है, उनके आज्ञा में रहना, उनसे तुम सीखना, वो तुमको सब बताएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए तुम गुरु कर लेना, कौन सा गुरु, विद्या गुरु, विद्या गुरु कर लेना और आध्यात्मिक गुरु कर लेना, विद्या गुरु तुम्हारे दुनिया की चीजों को बताएंगे समझा देंगे तुमको, उससे तुम्हारी रोटी रोजी चलती रहेगी, खाने का इंतजाम कपड़े का इंतजाम घर मकान होता रहेगा, नाम तुम्हारा होगा, कीर्ति तुमको मिलेगी। लेकिन अपने आत्मा के लिए जिसके लिए तुम मनुष्य शरीर मांग रहा है, उसके लिए रास्ता समर्थ गुरु के पास जा करके ले लेना, और ले करके तू इसी जीवन में अपना काम बना लेना, फिर दुख के संसार में तुझको ना जाना पड़े, तुझको इस माँ के पेट रूपी नर्क में ना आना पड़े, साफ साफ उसने बता दिया। अब अगर वो चीज आपको याद हो जाए तो फिर तो आप फेंक जाओ, लेकिन ये भूल जाते हो, भूल और भ्रम का देश है ये, सुबह आदमी करता शाम को भूल जाता, शाम को कुछ बोला शाम को कुछ किया सुबह भूल गया। और बूढ़े लोग अगर मीठा ज्यादा खाने लग गए तो समझो वो तो 10-10 मिनट की बात भी याद नहीं रख पाते हैं, तुरंत नहीं सोच पाते क्या करना चाहिए, क्या कहा था, क्या किया था। इसीलिए परहेज बताया गया कि जरूरी है, खान पान चाल चलन सही रखना है, इसीलिए बताया गया जरूरी है। तो प्रेम आजाद कर दिया उसने, ये भी कहा, कहा तुमको आजादी रहे, हाथ दे दिया, पैर दे दिया, तुम्हारा आँख कान ये सब बना दिया। देखो ये नियामत है, नियामत किसको कहते हैं, दया कृपा मेहरबानी उसकी, कि हाथ पैर आँख कान बच्चियों और बच्चियों हमारा आपका ठीक ठाक बना दिया उसने, और नहीं तो आप में से अंधे कोई हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपंग हो जाते तो यहाँ तक आ पाते, अरे कुछ कर पाते, लूला आदमी माला जप सकता है, नहीं जप सकता है, लंगड़ा आदमी है ज्यादा दूर जा नहीं सकता है, अपंग है उठ बैठ नहीं सकता, क्या कर पाएगा? वो तो समझो भोग योनि है, भोग भोग रहा है अपने कर्मों का। तो ये नियामत है, उस प्रभु की कृपा है, दया है कि हमारा हाथ पैर आँख कान वो ठीक ठाक से बना दिया। तो कहा ये तो सब पना करके तैयार करके मैं तुमको भेजता हूँ और आजाद कर देता हूँ, कहीं भी तुम जाओ कुछ भी करो, हाथ से अच्छा करो बुरा करो, ऐसे अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो बुरा सुनो, तुमको हम आज़ादी देते हैं, लेकिन कर्म भोगने के लिए आज़ादी नहीं दे, इसका सबका तुमको हिसाब देना पड़ेगा। अब इसकी जानकारी कैसे होगी,
ये अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कहा हम किसी न किसी को भेजें, मैं भेजूंगा नहीं तो वो प्रभु भेजेगा जो मेरा सृजनहार है, जो मेरा भी परवरिश करता है, वो किसी न किसी को भेजेगा। समय समय पर वो जाते रहेंगे, वो तुमको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि अच्छा है और ये बुरा है, ये बताते रहेंगे कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। तो उसने भेज तो दिया, लेकिन वो चीज आप भूल गए, और अच्छा बुरा क्या है आप इसी को समझ नहीं पा रहे। ये चीजें जो आपके लिए उसने बना दिया, इसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये चीजें किस लिए बनाया, इसलिए बनाया कि इसमें फंस जाओ, इसलिए नहीं बनाया कि फंस जाओ, इसलिए बनाया कि इससे अपना काम चला लो, लेकिन इन चीजों को अपना समझ करके उसी में फंसे मत रहो, उसको पकड़ करके मत रखो। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, आपके इसी आश्रम पर 21 साल पहले गुरु महाराज आए थे, 17 अप्रैल को, कल थी 17 अप्रैल, कल आपको जो लोग यहाँ थे ध्यान भजन के समय याद दिलाया गया था, तो यहाँ आए थे गुरु महाराज, एक जगह नहीं बैठते थे, चलते रहते, चलता योगी बहता पानी, जब तक शरीर में गुरु महाराज की ताकत रही बराबर जगह जगह जाकर के सत्संग नामदान देते रहे। जब बिल्कुल असहाय हो गए, शरीर बुढ़ा हो गया, जाने का समय जब अनसमझो करीब आ गया, तब गुरु महाराज रुके थे, ये बराबर चलते रहते थे। तो बहुत लोगों को आप लोगों को नाम डाल दिया जो उसमें बैठे हुए, बहुत तो नहीं कर सकते लेकिन काफी कुछ लोगों को दिया नामदान गुरु महाराज, और करने के लिए कुछ बताया कि जिससे कर्म कटें। कर्म किससे करते हैं? कर्म सेवा से करते हैं, भजन से करते हैं, सत्संग सुनने से भी कर्म करते हैं। सत्संग जब आदमी सुनता है तो बातों को पकड़ता है, और जब कर्म खराब रहते हैं तो जल्दी बात को नहीं पकड़ता है आदमी। यही कारण है कि आप तो प्रचारक हो, बहुत से लोग प्रचार करते हो शाकाहारी का, लेकिन सुनता ही नहीं आदमी, मस्त है बोटी खाने में, मस्त है जो जिसमें है शराब के नशे में, लेकिन अगर उसको सत्संग मिलाते रहो, दो चार बार सत्संग सुनाओ, चाहे बड़ा कोई सत्संग हो, चाहे उज्जैन जाने का हो, चाहे इस तरह का जो आयोजन आपने किया है ये हो, या साप्ताहिक सत्संग हो, या कोई और उपदेश करने के लिए आ रहा हो उसका सत्संग अगर सुनवाते रहो, पकड़ के लाते रहो, आपका व्यवहार है, आपका रिश्ता है, आपका घर का आदमी है, अगर उसको सत्संग सुनवाते रहो तो उसके कर्म कट जाते हैं, कर्म कट जाते हैं तो बातों को पकड़ने लगता है और समझने लगता है, फिर उसको छोड़ देता है, बुरी चीजों को छोड़ देता है, वो समझ जाता है कि इसका अंजाम बुरा होगा तो उसको वो छोड़ देता है, फिर वो उस चीज को नहीं अपनाता है। दुनिया में आप देखो मिल जाएंगे जो मांस के बगैर नाश्ता नहीं करते थे, मछली के बगैर जिनका चलता नहीं था, दारू पीने वाले भी मिल जाएंगे पुराने सत्संगियों में। यहाँ तो मान लो पुराने सत्संगी कम है, अगर बड़े कार्यक्रमों में आओ, आप बड़े दारूबाज हो, कोई बहुत पीते हो, वो नाम पूछे कि यह बोतल तुमने पिया है अंग्रेजी की, नहीं बता पाओगे, जितना पिए बैठे हैं, लेकिन समझ में आ गया तो छोड़ दिया। 10-10 क्विंटल मछली खाने वाले मिल जाएंगे, कहेंगे कम से कम 10 क्विंटल खा डाला होगा पूरे जिंदगी में, लेकिन समझ गए तो छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सेवा से कर्म करते हैं, कैसी सेवा? शरीर की सेवा। शरीर क्या सेवा करता है? जैसे प्रचार के लिए प्रेमियों कहा जाता है कि प्रचार करो, अब प्रचार के लिए आप जाते हो तो हाथ पैर आपका हिलता है, आपका आंख देखता है कि भाई जा रहे हैं ये रास्ता कैसा है, और मुंह से भी कुछ बोलते हो तो हाथ पैर आंख कान सबकी सेवा उसमें हो जाती है। और कर्म जो आते हैं, चाहे अच्छा कर्म कोई करे चाहे बुरा कर्म करे, शरीर से ही करता है, उसमें भी हाथ पैर आंख कान शरीर का इस्तेमाल करता है, तो कर्म इसी शरीर से होता है। अब वो जब कर्म अच्छा करेगा
तो बुरा कर्म सब कटता चला जाता है, जलता चला जाता है, और कृष्ण कर्म करता है। आप तो चीज आपको बताया कि सत्संग सुनने से कर्म करते हैं, और समझो सेवा करने से कर्म करते हैं, और कृष्ण कर्म करते हैं, भजन करने से कर्म करते हैं। और जब कर्म कट जाता है, मैल कट जाती है, आप अंतःकरण साफ हो जाता है, तो वो मालिक बैठा हुआ दिखाई पड़ जाता है। देखो फिर मैं आपको बताऊं और सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि आप लोग मराठी लोग हो, मराठा भाषा, मराठी भाषा पढ़े हो, मराठी बोलते हो, मराठी लिखते हो, मराठी पढ़ते हो, हिंदी हो सकता है ज़्यादा कठिन बोला जाए, ना समझ पाओ, इसलिए आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जैसा मैंने बताया कि समझो कि भजन से और सेवा से और आपके समझो सत्संग सुनने से कर्म करते हैं, शरीर के कर्म करते हैं, तो इसी तरह से आप ये समझो कि कर्म दो चीज तो बताया कि यानी करते हैं इससे कर्म, और आप ये समझो कि भजन से कैसे कर्म करते हैं, भजन से ज़्यादा कर्म करते हैं, और भजन से कर्म जब करते हैं तो वो कहाँ के कर्म करते हैं, अंदर के कर्म करते हैं। ये तो समझो शरीर से कष्ट जो होने वाला है उसका कर्म करता है शरीर, जैसे कोई चोरी की आदत डाल लिया तो कितना भी चोर हो लेकिन एक न एक दिन पकड़ा जाता है, मार पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, कितना भी अपराध करने वाला किसी न किसी दिन पकड़ा जाता है। अब उसको सत्संग सुना दिया गया, भाई ये गलत काम मत करो, चोरी व्यभिचार कत्ल ये गलत काम है, इसका अंजाम बुरा होगा, तो वो छोड़ देता है। तो वो जो जब छोड़ देगा और प्रायश्चित करेगा, किसका प्रायश्चित करेगा, अपने किए हुए कर्मों का करेगा, प्रायश्चित करने पर माफी होती है, और प्रायश्चित न करे खुश हो जाए कि देखो हम इनको मार के गिरा के चले आए, देखो हमने कत्ल कर दिया, देखो हम व्यवचार कर दिए, कुछ नहीं हो पाया हमारा, चुप के चले आए, अहंकार आता है, तब वो और समझो पाप का भागीदार बन जाता है। तो इसी तरह से अंदर के कर्म करते हैं, अंदर का कहाँ कर्म का, कहाँ का कर्म, जहाँ से उस प्रभु को देखते हैं, वो पर्दा लगा हुआ जो है अंदर का कर्मों का वो हटता है, तब प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है। जैसा कि महापुरुषों ने बताया है कि मिलता है तो इसी मनुष्य शरीर में मिलता है, हमारे गुरु महाराज चैलेंज करके वक्त कहते थे कि मिलेगा तो इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो भगवान किसी को मिला है न मिलेगा, और सबसे बढ़िया भगवान के प्राप्ति के लिए तो गृहस्थ आश्रम ही अच्छा है, अलग से आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है, गृहस्थ आश्रम में ही भगवान मिल जाएगा, उसी इसी में खोजो, इसी में खोजो, खोज रे पिया निज घट में, अपने घट में ही खोजो, इसी में खोजो, कभी नहीं कहा खोज रे पिया मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, कभी नहीं कहा, इसी घट में, इसी में मिलेगा, मनुष्य शरीर में ही मिलेगा। लेकिन अब वो दिखता तो नहीं है, इसीलिए नहीं दिखता है कि आँख के ऊपर कर्मों का पर्दा आ गया। मोटी बात समझाता हूँ आपको, समझो जब उम्र बढ़ती है और आँख कान का ध्यान नहीं रखते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे अनुश्रवण शक्ति तेज रखी जाए, सुनने की ये कम हो, यानी समझो न सुनने की मात्रा कम हो, यानी बराबर सुना जाए, कैसे दांतों को बरकरार रखा जाए, न गिरे निकले न, ये बहुत समय तक काम देता रहे, कैसे आँखों को यानी समझो तेज रखा जाए, जिसकी जानकारी जब नहीं हो पाती है तब समझो कम उम्र में ही दिखाई कम पड़ने लगता है। एक उम्र तो ऐसी होती है कि आँख कमजोर होती होती, शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते, जब शरीर छोड़ने का धीरे धीरे समय आता है, जब बुढ़ापा आती है तो हाथ पैर आँख कान सब कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो देखो जवानी में ही कमजोरी आ जाती है, चश्मा लगाना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, झाला माला जिसको कहते हैं डॉक्टर, उसका ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, कान का ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, बोले पर्दा खराब हो गया, दांत निकलवाना पड़ जाता है। तो ये सब जो अन्य समझो इसका प्रकाशन था, प्रकाशन का मतलब क्या होता है कि कैसे इसको यानी बचाया जाए,
इसकी जानकारी जब नहीं हो पाती तो कम उम्र में ही आप समझो कि ये तकलीफें आ जाती हैं, तो उसका उपचार करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है। तो मोटी बात आप ये समझो कि इसको बचाएंगे कैसे, ये सब बातें आ जाती हैं। जब कई दिनों का सत्संग होता है तब उसमें अन्य बातें आ जाती हैं। आज विस्तार में बताने का समय नहीं है, क्योंकि समय यह निकला चला जा रहा है। हिंदी तिथि के अनुसार भंडारा अपने लोग करते हैं, जानते हो। गुरु महाराज भी हिंदी तिथि से ही भंडारा अपने गुरु महाराज का करते थे, तो गुरु महाराज का भंडारे की तिथि आ रही है अगले महीने में। अगले यानी मई के बाद जो जून आएगा उसमें 2, 3 और 4 जून को कार्यक्रम भंडारे का उज्जैन में होगा, तो उसके करो आप सब लोग तैयारी। और आप भी आओ, कोशिश करो परिवार वालों को भी लाने के लिए, रिश्तेदारों को भी, हित मित्रों को भी लाने की कोशिश करो, क्योंकि उस वक्त पर गुरु की दया बरसती है। गुरु की दया लेने के लिए सब लोग आएंगे तो दया के पात्र बन जाएंगे, दया के घाट पर बैठ जाएंगे तो दया तो मिलेगी नहीं। इसलिए तैयारी करो, कोशिश यह करो कि अपने हाथ से लेकर के ही गुरु महाराज के भंडारे का प्रसाद स्वयं खाएं, और जो भी बच्चे घर की रखवाली के लिए रह जाएं यहाँ, उनके लिए भी ले आएं। आप जो नए लोग आए हो आपको निमंत्रण देता हूँ, आप लोग आइए वहाँ पर गुरु महाराज के भंडारे में, आप निमंत्रण स्वीकार करिए, पधारिए। कुछ लोग वहाँ पहुँच जाओ पहले से व्यवस्था के लिए, इंतजाम के लिए, कैंप लगाने के लिए अपने, कि जो लोग बाद में आएँ उनको पानी पखाना खाना की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप वहाँ पहले पहुँच करके इंतजाम देख लो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है, अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।